हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग एक और स्टॉक को देखने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो मैं आपको लेवल्स बता दूंगा जो किस लेवल पे आपको एंट्री करना है, क्या लॉजिक होने वाला है हम लोगों का एंट्री के लिए, क्या हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है। तो मैं जो है आपको सारी चीज़ें एक एक करके बता दूंगा, तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता हो, एनालिसिस अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। तो चलिए अब जो है सबसे पहले आप लोगों का स्टॉक्स का नाम बता दो। स्टॉक का नाम है TCS। इसमें हम लोग लगातार जो है पहले से भी आपको ट्रेड करते आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 3200 के लेवल से हम लोग जो है इसमें 3-4 ट्रेड ले चुके हैं, और एक बार फिर से जो है इस स्टॉक में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉक आपको ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो इसलिए जो है आपको मैं डेली टाइम फ्रेम में नहीं दिखा रहा हूँ, बस मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही दिखा रहा हूँ जो आपको कहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो अगर आप इस लेवल पे देखेंगे तो इस लेवल पे स्टॉक जो है आपको बार बार यहाँ पे जो है सपोर्ट ले रहा है। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद जब ये आपको 3800 के ऊपर से जो है आपको कंटिन्यू इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, और आज के सेशन में भी अगर आप देखिएगा तो लास्ट में ये यहीं से आपको जो है एक बुलिश कैंडल लास्ट में बनाया है। अब जो है आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है जब ये स्टॉक 3841 के ऊपर निकलेगा। अगर आप इस लेवल के ऊपर देखेंगे तो इस लेवल के ऊपर जो है आपको एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिख सकता है। आज जब स्टॉक ऊपर से आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया था, तो आपको फर्स्ट टाइम ये यहीं से आपको एक पुल बैक लिया, और उसके बाद जो है फिर ये नीचे आया। तो नीचे में ये अभी सपोर्ट पे अभी आपको खड़ा हुआ है। अगर ये सपोर्ट से बाउंस करता है और इस स्विंग हाई को ब्रेक करता है जो आज के सेशन में इसने बनाया था, तो इस लेवल के ऊपर जो है आपका एंट्री पॉइंट आएगा। यहाँ पे जो है अगर एक 15 मिनट का बुलिश कैंडल 3841 के ऊपर जो है आपको क्लोज देता है, तो आपको तो ही आपको यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करना है। आपका स्टॉप लॉस होने वाला है 3800 के नीचे, 3800 के नीचे अगर 15 मिनट के चार्ट में ये स्टॉक क्लोज दे देता है, तो फिर जो है आपको अपने पोजिशन से एग्जिट कर जाना है। लेकिन एंट्री आपको 3841 के ऊपर ही लेना है, उससे पहले आपको एंट्री नहीं लेना है। तो अगर ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे इस लेवल से पहले 3841 के लेवल से पहले आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। स्टॉक आपको ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, लेकिन ये इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जो है आपको कल के मार्केट में ही पता चलेगा। तो अगर उस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर जो है आप 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ जो है अपने बाइंग पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हो। आपका टारगेट जो है 80-100 पॉइंट का होने वाला है, जो कि अगर आपको इस लेवल के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो 1-2 दिन में आपका टारगेट आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को लॉजिक क्लियर हो गया होगा, किस लेवल पे बाय करना हो ये क्लियर हो गया होगा, और साथ ही साथ आप लोगों का स्टॉप लॉस क्या होने वाला है। तो आप लोग जो है लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको जो है मार्केट में ट्रेड मिलेगा तो वहाँ पे आप जो है कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।